रसूलपुर पुलिस टीम द्वारा कुख्यात बदमाश 1270 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार। एसएसपी अजय कुमार ने पुलिस लाइन में वार्ता कर दी जानकार। बताया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उप चरस की कीमत करीब 30 लाख रुपए। फिरोजाबाद पुलिस लाइन सभागार में वार्ता के दौरान एसएसपी अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच टीम व थाना रसूलपुर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 1270 ग्राम चरस के साथ कुख्यात बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि उक्त बदमाश अवैध शराब का कारोबार छोड़कर वर्तमान में मादक पदार्थ की तस्करी कर रहा था। उसके जनपद के ही कुख्यात शराब माफिया विजय उर्फ बिल्ला यादव से संबंध सामने आए हैं। आगे जानकारी दी कि ऑपरेशन चक्रव्यूह के अंतर्गत आसफाबाद पर थाना रसूलपुर पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, तभी एक व्यक्ति पुलिस चेकिंग देखकर भागने लगा। तभी पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए उक्त व्यक्ति को आवश्यक बल प्रयोग कर पुलिस हिरासत में ले लिया, जिसका नाम अनुज पुत्र हरगोविंद निवासी आरोज थाना शिकोहाबाद बताया। बरामदगी में 1270 ग्राम उच्च क्वालिटी चरस बरामद हुई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी जा रही है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक थाना रसूलपुर अजय किशोर, प्रभारी एसएचएस हरविंद्र मिश्रा, प्रभारी सर्विलांस विक्रांत तोमर सहित क्राइम ब्रांच व थाना रसूलपुर पुलिस टीम साथ मौजूद रही। हमारे थाना रसूलपुर पुलिस जनपद फिरोजाबाद को कामयाबी मिली है। इन्होंने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम अनुज यादव पुत्र हरगोविंद यादव निवासी आरौंज थाना शिकोहाबाद सामने आया है। इसके कब्जे से तकरीबन 1.25 किलो, 1 किलोग्राम और 270 ग्राम हाई क्वालिटी चरस बरामद की गई है। इस 1.25 किलो चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी जा रही है। ये इस बदमाश से जो पूछताछ हुई है, उसमें इसके संबंध जनपद के एक बड़े शराब माफिया विजय उर्फ बिल्ला यादव से सामने आए हैं। यह विजय उर्फ बिल्ला यादव के लिए लाइजनिंग मैनेजमेंट और मुखबिरी का काम करता है। इसका कहना है कि अवैध शराब के निष्कर्षण, इसके वितरण पर जो घोर सख्ती फिरोजाबाद के अंदर पुलिस अधिकारियों द्वारा की जा रही है, उसी के कारण इसने अपने पुराने धंधे से स्विच ओवर किया और अब मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री का काम जोर शोर से ये कर रहा था। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना रसूलपुर पुलिस ने इसको तकरीबन 1.25 किलो चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आज इसको तमाम ठोस सबूतों के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, जहां से इसको जेल भेज दिया जाएगा।